हाय एवरीवन कैसे हैं आप सब आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरी वीडियो डिजिटल बोर्ड जब गूगल में लिखते हैं सॉरी यूट्यूब पे आप लिखते होंगे गूगल में भी आ जाएगी मेरी वीडियोस और यूट्यूब पे लिखते हैं तो मेरा रोता हुआ चेहरा आ जाएगा कि मैंने दो लाख रुपए बर्बाद कर दिए वो एक वीडियो साइड में आ दूंगा हमने उसका स्क्रीन देख लेंगे आप साइड में लगा होगा जनरली आती है अगर आप अभी भी सर्च करें तो वो वीडियो आएगी बट वो वीडियो कब ली थी एक्चुअली क्या होता है ना जब आप लीड करते हो मतलब जब आपने वो हमेशा सुना है कि एक किनोर क्या होता है वो हमेशा आगे चल रहा होता है उसने कितनी परेशानियां मुश्किल झेलिया वो तो पाथ बना देता है फिर लोग आते हैं और आराम आराम से चलते रहते हैं तो मैंने मुझे लगता है कि बहुत से हमारे पहले भी काफी लोगों ने डिजिटल बोर्ड लिया बट डेढ़ साल पहले जब मैंने लिया तो मुझे कोई गाइड करने वाला था नहीं मेरे नोन ने किसी के पास था नहीं भाई साहब मैं क्या ही बताऊँ अगर मुझे उतनी परेशानियाँ पता होती तो मैं लेता नहीं सारा कुछ लगाना पड़ा ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें बट फाइनली अब सब कुछ हो गया अब क्या का, काफ़ी मैंने गाइड भी किया ऐसे मनोज भी आया था उसको भी मैंने लाइटिंग का गाइड किया प्रॉपर सारी चीज़ें बताई और भी मेरे कई फेलो क्रिएटर्स हैं जो मेरे दोस्त यार हैं उनको ही मैंने गाइड किया तो आज मेरा मोटो ये है कि डिजिटल बोर्ड लगवा लिया अब इसमें प्रेजेंटेशन कैसे बनाएं लिखे कैसे ये बहुत सवाल रहता है बहुत लोग पूछते हैं कि आप कैसे बनाते हो ये सारी चीजें तो चलिए एक बाय एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं पूरी वीडियो देखना तभी समझ पाओगे और वैल्यू ऑफ आपको जो टाइम आपका दिया है आपने इस वीडियो को डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा तो सबसे पहले अगर मैक्सअप आप लेते हो ना जनरली तो मैक्सअप के लिए आप या दो चीजें हैं इंटरफेस में आपको दिखा देता हूँ एक एंड्रॉइड वर्जन है मेन्यू चेंज करा एक एंड्रॉइड है और एक पीसी वर्जन है इसका राइट फिर एच वगैरह दो एच केबल एच डी एम आई थ्री है वी लगा लो जिससे आप अपने लैपटॉप वगैरह कनेक्ट कर लो सीधा वो प्रोजेक्टर के थ्रू यहाँ पे बनेगा लैपटॉप में जो चेंज करो वो यहाँ पे आएगा तो दोनों साइड से आप टच कर सकते हो दोनों साइड से वो स्क्रीन खुल जाती है तो मेन्यू का ऑप्शन है मेन्यू में देखो यहाँ पे एक पीसी है एंड्रॉयड और एच तो मैं मान लीजिए अभी मैं पीसी सेगमेंट हो मैं एंड्रॉड में चला जाता हूँ बहुत से लोग सात ना आपको एंड्रॉइड भी मिलेगा पी सी भी मिलेगा तो चलिए साहब ये पीसी वाले सेगमेंट में आ गए हम पीसी वाले में आप नोट ओपन कर लो नोट में बनाना शुरू कर दो ये नोट आ गया बट मैं जनरली जो जो लाइक प्रेफर करता हूँ वो पीसी वाले सेगमेंट को ज्यादा प्रेफर करता हूँ उसमें ज्यादा मज़ा आता है कुछ भी है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब नोट में अगर आप देखो तो मेन्यू का ऑप्शन है सारी चीज़ें सबसे पहले न्यू मतलब आप एक नया फाइल ले लिया आपने एक अलग से एक फाइल बन के यहाँ जितना जितनी फाइल बनाओगे उतनी फाइल बन जाएगी उसके बाद देखो ओपन अगर आपको कोई पिक्चर लाना है कोई चीज़ें लेके आनी है कोई आपने वीडियोज लिया हुआ है तो वो सब यहाँ से आ जाएगा जो भी कुछ ले लिया ना आपने उसके बाद आप देखो आप इम्पोर्ट और भी चीज़ें कर सकते हो डायरेक्ट ई मेड पी और एस फाइल एस फाइल पता है ना आपको क्या होती है एस फाइल जैसे मान लो कोई कार्य

क्या क्या है तो सबसे पहले मैंने अपना एक बैकग्राउंड बना, बना के लगाया हुआ है वी मेक क्रिएटर्स महात्मा जी टेक्निकल स्टडी बुखार हट गया इसकी जगह हमने डिजिटल ग्रोथ कंसल्टेंट चैनल का नाम रख दिया चलिए दो एप्लीकेशन है पहला है नोट फाइव तो इस नोट फाइव को हम ले लेते हैं नोट फाइव थोड़ा आसान है आ, इजी नोट फाइव से तो नोट फाइव पहले देखते हैं एक ब्लैक कलर की स्क्रीन आ गई यहाँ पे बैकग्राउंड का एक बटन होता है सो मेनी कलर्स आपको यहाँ पे बैकग्राउंड के थीम्स मिल जाते हैं ऐसे ये कलर अलग अलग मेरे को थोड़ा कलर ब्लाइंडनेस है ब्लैक हो गया व्हाइट हो गया येलो हो गया है ना आप ये आई थिंक पर्पल पर्पल इतना तो थंबनेल बनाते बनाते कलर समझ आ चुका है मेरे को राइट तो ब्लू है ग्रीन है तो ये कलर्स आप ले सकते हो ग्रीन ज्यादा अच्छा लगता है लोगों को चमक धमक बैकग्राउंड में है ना क्रोमा भी कुछ लोग तो क्रोमा ही काट लेते हैं इससे ये चीजें आ गई

प्लस 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 जितने पेज आप बनाना चाहो वो बन जाते हैं तो सबसे पहले मैंने वाइट पेज ले लिया मैं पेज नंबर पे चला जाता हूं।, यहां मैं पेज वन पे हूं अब वन पे मैंने पेन ले लिया पेन में कौन सा कलर लूंगा ऑब्वियसली पीछे व्हाइट है तो मुझे कोई डार्क कलर लेना पड़ेगा ब्लैक रेड ब्लू इस टाइप का तो ब्लैक ले, ले लेते हैं साहब मान लीजिए कुछ भी आपको लिखना है तो पेन में देखिए तीन चीजें होती है थिकनेस पहला दूसरा तीसरा पहले में देखिए अगर मैं अपना नाम लिखता हूं अमरीश या मैं अग, अगला दू, दूसरा लूंगा तो उसकी थिकनेस ये रही अगर मैं तीसरा लेता हूं तो इसकी थिकनेस ये है तो डिपेंडिंग ऑन यू आपको क्या टेक्स्ट लिखना है आपको बहुत लार्ज स्केल में पढ़ाना है मैथमेटिक्स पढ़ाना है तो आप ये वाला सेगमेंट भी ले सकते हो ये वाला सेगमेंट ले सकते हो जिसे आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो या आपको ज्यादा कुछ लिखना नहीं है तीन चार शब्द लिखने हैं तो आप ये वाला वा जो थे, 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 कर सकते हो और बहुत कुछ पढ़ाना है तो इस वाले में ले सकते हो फिर से बगल में अंडू का ऑप्शन है आप अंडू कर सकते हो जितनी मर्जी चीजें अंडू कर सकते हो उसके बाद ये थी आपका एक डिजिटल बोर्ड जहां पे आप सारी चीजें कर सकते हो बट मैं कैसे प्रेजेंट करता हूँ अपनी चीजों को प्रेजेंटेशन को तो सबसे पहले मैं मेन्यू में जाता हूं मैंने एक ड्राइव से फोटोशॉप में कोई फाइल बना लेनी होती है जो भी मुझे लिखना होता है उसका पीएनजी निकाल लेता हूं चलिए मैं आपको दिखाता हूं जैसे मेरा एक फोल्डर है और अभी मैंने फॉर एग्जांपल एक वीडियो बनानी है सीटीआर से रिलेटेड तो आ जाइए साहब देखिए यहां पे मैंने क्या किया पीएनजी है मतलब मैंने जो ये लिखा उसको पीएनजी में कन्वर्ट कर लिया अब इससे बेनिफिट क्या होगा इतना पोर्शन अभी पीछे कुछ कुछ था ही नहीं पी एन जी या पूरा तो मैं कहीं भी इसको ना अलाइनमेंट अपने कहीं भी फिक्स कर सकता हूँ यहाँ फिक्स कर सकता हूँ मैं इसको बड़ा सा बना सकता हूँ तो देखिए इतना बड़ा बना लेता हूँ अब आपको देखने में कितना अच्छा लग रहा होगा मैं इसको छोटा करना है मैं साइड में छोटा करके कर रख सकता हूँ मैं इसके बारे में डिटेल कर सकता हूँ मुझे टेक्स्ट पे जाना है फिर से वही पेन वाले टूल पे सेकेंड लेयर लेना है और कलर अगर ब्लैक में है मुझे ब्लू में चाहिए अब ब्लू में ये सारी चीज़ें लिख सकता हूँ ऐसे करके डिटेल वाइज है ना सारी चीजें मिटाना हो तो आप जस्ट पाम से भी ऐसे मिटा सकते हो या फिर यहाँ पे इरेज का ऑप्शन है एक बार में पूरा क्लीन इरेज कर सकते हो जहाँ भी पूरा पेन वेन कहीं भी कुछ चला होगा सीधा आप इरेज पे गए सीधा एक बार में आपने इरेज कर दिया ये बहुत सिंपल है तो मेरा सेगमेंट यह पी एन बनाना अच्छा ये आपको आसान लग रहा होगा पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसके लिए आपको फिर फोटोशॉप यूज़ करो रहे है, है ना ये सारी चीज़ें आप जब तक बनाओगे नहीं क्योंकि जब तक बनाओगे नहीं चीजें बनेंगी नहीं सेलेक्ट वाले ऑप्शन से सारा सेलेक्ट होता है तो ये चीज़ आपको बनानी पड़ेंगी देखिए मैंने एक यहाँ पर रख दिया मैं और भी गया दोबारा गया मैंने कंटेंट इंगेजमेंट लिखा हुआ मैं उसको साइड में नीचे लिख लूंगा एक मिनट ही घूम गया उसको गोल साहब ऐसे घुमा भी सकते हो या दोबारा लगे कि नहीं यह लाइनिंग ठीक नहीं है तो कोई नहीं भाई साहब यहाँ से डिलीट का भी ऑप्शन है जब आपसे क्लिक करोगे तो अब डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट खुल जाते हैं पहला है क्रॉप क्रॉप मतलब इसमें भी कुछ कट कट करना है तो देखिए अगर इसमें भी कुछ कट करना है पार्ट तो आप कट कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि यार कॉन्टेंट वाला पार्ट नहीं आना चाहिए था तो आप काट दो ना कॉन्टेंट वाला सेगमेंट लीजिए साहब उड़ गया खाली एंगेजमेंट बेनिफिट बचा थंबनेल उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि इसको एक्सपोर्ट करके कहीं मुझे भेजना है मतलब कहीं जगह सेव करना है अपने इसी कंप्यूटर में तो वहां आप सेव कर सकते हो अगर आपको इसके मल्टीपल्स फाइल बनाने मान लीजिए इसके मल्टीपल फाइल तो उसका क्लोन बनाते जाइए मल्टीपल बनते जाएंगे इसका कॉपी होता जाएगा दो चीजें बन गई दो यहाँ पे देखिए मुझे चाहिए था क्लोन बन गया इसका अलग से तो आप डिफरेंट डिफरेंट मान लीजिए तीन चार एक पिक्चर आगे उसको तीन जगह प्लेस करना है तो आप उस सेगमेंट में इसको प्लेस कर सकते हो तो ये एक सेगमेंट है उसके बाद अगर आप इसको यहां से डिलीट करना चाहो तो देखिए यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है डिलीट हो जाएगा यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है इसको यहाँ से ले जाओ डिलीट कर दीजिए तो ये पिक्चर प्लेसमेंट का है उसके बाद आप जो भी चीज़ें है आप मल्टीपल अलग अलग सिगमेंट में जैसे अलग पे पेज बनाना है तो यहाँ पे पेज पर पे कुछ और रख सकते हैं बस बैक पे जाना है दोबारा से वहाँ पर आ गए अगले स्लाइड पर जाना है अगले पे आ गए ज़्यादातर तो लोग रिमोट यूज़ करते हैं इस चीज़ के लिए मैं तो नॉर्मली ऐसे ही इससे काम चला लेता हूँ तो मैंने अल्टीमेटली आपको दो तीन चीज़ें बताई जैसे मुझे अगर इसको हटाना है तो मिनिमाइज का ऑप्शन है मिनिमाइज कर दिया मैं सीधा क्रोम खोल लिया अगर मुझे क्रोम में चीज़ें बतानी है गूगल में कंप्यूटर है सारा साहब ये कंप्यूटर में यूट्यूब खोलना है मैंने यूट्यूब खोल लिया अब देखिए मेरे पास आई यहाँ पे YouTube खुल चुका है अब कई बार आपने देखा होगा कुछ क्रिएटर्स यहाँ पे लाइक like, कुछ डिनोट करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल अभी ध्रुव राठी की वीडियो आई मुझे कुछ दिखाना है तो मार्क का यहाँ पे ऑप्शन है मार्क पे क्लिक करूंगा और मार्क पे क्लिक करने के बाद जो भी मुझे ब्रश टूल्स यूज करने पेन मैंने लिया है पे ब्लू अब मैं यहाँ पे यहाँ पे ध्रुव राठी को दिखा सकता हूं अब ये वाला पार्ट मेरा क्या है फ्रिज हो चुका है इस टाइम पूरा ये जो सेगमेंट है मैं आप ध्रुव राठी को दिखा दूंगा इसके चैनल के बारे में कुछ बता दूंगा कि क्या सब्सक्राइबर बेस है इसके बीस घंटे में दो मिलियन व्यूज आ रहे हैं राइट इस पार्ट को अगर आप सेव करना चाहते हैं ये पूरा सेगमेंट जो है वो सेव भी हो जाके हो गया है फिर आप ब्रश टूल भी यूज कर सकते हो ब्रश टूल में देखो ब्रश टूल में यहाँ पे ना क्या होता है आप सिर्फ हाईलाइट कर सकते हो कि ये वाला पार्ट हाईलाइट कर दिया ट्रिगर इंसान का चैनल है मूवी रिव्यू तो ये वाला पार्ट हाईलाइट कर दिया तो किसी भी सेगमेंट जाके हाईलाइट कर दो और दोबारा से हटाना है क्लोज मारो दोबारा से फिर से आप काम करना शुरू कर सकते हो मान लीजिए इसमें मुझे कुछ पिक्चर लेनी है तो मैंने यहाँ पे क्रोप का दवाया मेरे को लगा रहे, यार ध्रु बराठी का ये वाला पार्ट मुझे लेके जाना है कहीं और मैंने सीधा यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगा सेव कर दूंगा सारी चीज़ें तो यहाँ पे मान लीजिए अगर मुझे फुल फ्रेम में लेके आना है सेव कर देता हूँ तो सेव करने पे आप देखिए वो चीज़ सेव हो गई लोकेशन भी आपको दे दिया कि कहाँ पे नोट मार्क में जाके यहाँ पे सेव हो गया आप उसे ओपन भी कर सकते हो वहाँ पे वो चीज़ ओपन हो गई नोट में जाके तो ये देखिए चीज़ ये चीज़ें यहाँ पे भी आ गई तो ये एंड्रॉड वाले मॉडल में है जब वो क्योंकि इसका डायरेक्ट एंड्रॉयड से कनेक्शन रहता है तो वहाँ पर जाके कनेक्ट हो जाएगा बट मुझे तो चाहिए भैया मेरे कंप्यूटर वाले जोन में जहाँ पे हम पहले से बैठे हुए थे तो आप देखिए दोबारा से हम वहीं आ गए और हमने जो अपना ईजी नोट फाइव पहले तो नोट फाइव खोला हुआ है बस मिनिमाइज गए फिर से दबाया और दोबारा से हम उसी सेगमेंट पे आ गए तो बहुत आसान तरीका है इस चीज़ से लाइक रिप्रेजेंट करने का चीज़ों को बनाने का लिखने का आप सारी चीज़ें आपको लाइक प्रेजेंटेशन लिखना है सब कुछ पॉइंटर बना के आप यहीं लिख सकते हो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पूरा समझाना है आप लिख लो यार डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सारी चीज़ें बता सकते हो कोई पेंट्स बना रहे हो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई पिक्चर को आपको एक्सप्लेन करना है मेरे मान लीजिए कोई पिक्चर मेरे पास है ये वाली पिक्चर मेरे पास है इसे ये वाली पिक्चर है कोई पिक्चर दिखाना चाहता हूँ जैसे को, कोई भी ये तो मैंने अपनी मेरी फैमिली की फ़ोटो आ गई आपको कोई कैमरा है उसको एक्सप्लेन करना है या कोई मान लीजिए साइंस का प्रोजेक्ट आ गया तो सीधा प्रोजेक्ट रखा आप हर चीज़ के बारे में डिटेल कर सकते हो भाई ये मेरी टीवी थी फिलिप्स की जो मेरे दादाजी लेके आए थे शर्ट था ये भी दादाजी लेके आए थे ये मेरे बाहर का कमरा है जो मेरे गांव में है ये सारी चीज़ें इस पर ये पलंग है जो मेरी मम्मी को शादी में मिला था तो ये सब चीज़ें आप डिनोट कर सकते हो अच्छे से अच्छे से चीज़ों को प्रजेंट कर सकते हो लोगों को दिखा सकते हो वन टू वन ये है पूरा इस वाले फॉर्मेट का सेक्शन अब आप कहेंगे कि सर अगर इस वीडियोज़ पर और अच्छे व्यूज़ आए बहुत बढ़िया व्यूज़ आए तो मैं आपको सबसे बेहतरीन अगला एक वीडियो लेके आने वाला हूँ वो क्या है वो ही बता देता हूँ वो है भाई साहब आपका तिलश्मी जादू जो आप कहना चाहते हो कह लो कि वो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो भी बता देता हूँ क्या अगली वीडियो में आपको मिलेगा बट उसके लिए आपको इस पे अच्छी सी कमेंट्स लाइक शेयर सब्सक्राइब करना होगा कम से कम लोग कम से कम इस वीडियो को 30 से चालीस हज़ार व्यूज तो दें जिससे लोगों को समझ आए तो ये वाला जो आप सेगमेंट देख रहे हैं ये ये इजी नोट फाइव है जो मैंने दूसरा दिखाया था मैं दोबारा से कट कर लेता हूँ कुछ लोगों को लगे कि सर गायब हो गए हटा दिया उन्होंने क्लोज ये देखिए यहाँ पर ये ईजी नोट फाइव है जी नोट फाइव का पूरा फीचर्स मैं अगली वीडियोज में लेके आऊंगा जहां बच्चे सीख पाएंगे और मेन्यू में जाके बैक टू तो प्रिपरेशन और ये माइंड मैप और ये सारी चीजें यहां पे आ जाएंगी जहां पे आप सब कुछ प्रेजेंट कर पाओगे तो आई होप आप ये चीज समझ पाओगे तो ये सब कुछ डिटेल मैं अपने वेबिनार फ्री में भी लोगों को बताता रहता हूं कि क्या किस तरीके से करना है वहां पर तो जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप फ्री ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको बहुत सारे मटेरियल्स वगैरह भी मिलते रहते तो आप देख लेना उसमें भी अब तो आपको बता ही दिया था कि आप फुल बैंक करना है चैनल पर फ्री लर्निंग्स आप लोगों को देनी है जितनी ज्यादा आप यूट्यूबर्स बनो मेरे लिए प्राउड का मूवमेंट है और यही प्राउड के मूवमेंट के साथ आपको बताएगी फेल सब चीजें होते हुए एक बड़ी कंपनी में इतने अच्छे पोस्ट पे इतना सब कुछ मिलने के बाद जस्ट बिकॉज ऑफ यूट्यूब यूट्यूब नहीं होता तो आज मैं बैंगलोर में नहीं होता इस टाइम आप मेरी वीडियो देख रहे हैं बना मैं दिल्ली के स्टूडियो में रहा हूं लेकिन राइट नाइम इन बैंगलोर और एक बड़ी कंपनी में एक बड़ा सा पोस्ट सारी चीजें आपको महात्मा जी की वीडियो में मिली गई होंगी तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर हैविंग मी फॉर पार्ट ऑफ मी इतना सपोर्ट करने के लिए बस ऐसे ही करते रहो यार और आगे बढ़ते रहेंगे धन्यवाद धन्यवाद जय हिंद जय जाए भारत